सनराइज बिल्कुल होने ही वाला है और बहुत सही टाइम पे हम लोग पहुंचे यहाँ पे, सही समय पहुंच गए। अरे भगवान जी, फोटो खींच ले। अरे हाय तेरी देख रहा हूँ। टाइम क्या हो गया? 7:15 सनराइज हो चुका है और हम लोग बहुत सही टाइम पे निकले हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा, शायद 2-5 मिनट लेट होते तो ये नहीं देख पाते। तो महाकाल मंदिर का मीटअप पॉइंट रखा था। सब मॉर्निंग, ज़्यादा देर तो नहीं हुई। तो योगेश जी नहीं आए? सब मॉर्निंग भैया, हेलमेट पहन लो यार, ऐसे मत चलाओ यार। लोग बाग हेलमेट रखते हैं साथ में सिर्फ चालान से बचने के लिए। वो ये नहीं समझते हैं कि हेलमेट जो है अपनी सुरक्षा के लिए। ये नया हाईवे बना है यहाँ पर नंदेश्वर जी से जस्ट पहले, इधर ही जाड़ोल की तरफ जा रहा है। ठंड बहुत शानदार है, ग्लव्स के अंदर भी हाथ एकदम से ठंडे हो रहे हैं। और ऑफ रोडिंग के बाद जो ये हाईवे मिला, ओहो मज़ा आ गया। जब आसपास सारे बादल हो बारिश के मौसम में, गजब का नज़ारा होता होगा। ऑफ रोडिंग चालू। एक्चुअल रेगिस्तान का फील आ रहा है। रेगिस्तान के फील से एक बात याद आई मुझे कि मैं उदयपुर से बाहर कहीं भी जाता हूँ, मतलब राजस्थान से बाहर कहीं जाता हूँ, तो वहाँ जो लोग मिलते हैं तो उनको अगर आप बोलो क्या उदयपुर से राजस्थान से, तो अगर उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता उदयपुर के बारे में, तो समझते हैं उदयपुर में भी रेगिस्तान होगा। राजस्थान मतलब रेगिस्तान ही समझते हैं सर। उनको ये पता नहीं कि उदयपुर में कितनी ग्रीनरी है, कितनी लेक्स हैं। राजस्थान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि बस रेगिस्तान होगा। तो अभी टोल टैक्स से आगे निकल गए थे, थोड़ा सा आगे जाकर के पूछा तो पता लगा कि नहीं, यहाँ उलसीगढ़ का रास्ता पीछे से है। ये अभी तक लगभग अनएक्सप्लोर टाइप सी है, अब वैसे लोग बाग थोड़ा जाने लगे हैं इधर। प्रॉपर ऑफ रोडिंग, प्रॉपर चट्टाने हैं। अरे भैया, चट्टानों में से होकर रास्ता जा रहा है। यो 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 यो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, पीछे 2 मिनट रुकना भैया, पीछे रहना रहा। ये तालाब उलसीगढ़ का, ये है उलसीगढ़ की वादियाँ। गाड़ी नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये एक फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। भगवान जी, बहुत ही डेंजरस जगह खड़े हुए हैं। और अगर ये थोड़ी सी उतर गई गाड़ी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे सब लोग। ये एक यहाँ पर खंडर बना हुआ है, किस चीज का है ये कुछ पता नहीं। देखो, आज हमारे साथ ये सूरज जी जो यहीं
अलसीगढ़ के हैं, बैठे हुए हैं, रोज सुबह सुबह यहाँ ताजी हवा लेने के लिए आते हैं और आज हमारी इनसे मुलाकात हुई, बड़ा आनंद रहा। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी, सूरज जी ने कान में ईयरफोन लगा रखे। योगेश बगारिया लाइव कमेंट्री करता हुआ अपने दोस्तों के लिए, और मेरे साथ है नवीन जी, चंद्रवीर सिंह जी राठौड़ और भुवन जी पाटनी। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी भैया बता रहे हैं कि अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर शूटिंग हुई थी कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और धड़क वाला हीरो कौन है? नहीं, सिद्धांत तो दूसरा है, धड़क वाला हीरो कौन है? कदर वाला। अरे धड़क वाला, धड़क वाला, धड़क धड़क भी चाहिए। इनको किसी को पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा इसमें इसलिए बीच का बकवास नहीं आएगी। लेकिन उन तीनों की एक मूवी शूट हो रही है फोन बूथ, जिसकी उदयपुर में पिछले 7-8 दिनों से शूटिंग चल रही है अलग अलग लोकेशन पे। और भैया बता रहे हैं कि अभी कल या परसों, कब परसों? अच्छा अगले संडे को। अच्छा पिछले संडे को यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी, तो कैटरीना कैफ वगैरह भी सब यहीं थे, तो अब वो मूवी तो अपने को देखनी बनती है। कौन, अनिल कपूर भी आया था अभी थोड़े दिनों पहले? अगले संडे को अनिल कपूर जी भी आए थे यहाँ पर। अच्छा, शूटिंग हुई थी यहाँ पर रायता कालीवास में। हाँ, तो मेरे यहाँ से मतलब पास में से पड़ोस से 20-25 बेड़े लेके गए थे किराए पे। अच्छा, बेड़े किराए पे ली, सुबह लेके गए और शाम को छोड़ के गए। अरे तो उसी दिन में यहाँ पर ही पास में ये वाली जो जगह है यहाँ पर शूटिंग चल रही थी कैटरीना कैफ की। अच्छा, पूरा दिन यही शूट हुआ था उनका भी। गुड गुड, तो आप यही रहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही रहता हूँ। गुड गुड, थैंक यू भैया, थैंक यू। ले लद्दा जैसा रास्ता पूरा। अरे इधर देखो, आ गया भैया, ये हमको प्रणाम। मैंने तो ले लिया इसको गिरते हुए। रास्ता बहुत ही डेंजरस है, ये एकदम चट्टान है, चट्टान के ऊपर से रास्ता जा रहा है। अगर आगे वाला ब्रेक ना हो तो मुझे लगता है गाड़ी उतारना बहुत मुश्किल है। छोटा सा टुकड़ा है ये चट्टान का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त डेंजरस। कहाँ पर? या ऊपर? हाँ तो रोड है तो कहीं पे भी चलो। अरे वो तो वहाँ है, यहाँ का है। चलो चलो, वो पहाड़ियों के ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर ठीक ठाक रास्ता जाने का मिल गया तो ज़रूर जाएंगे, कोशिश पूरी है ऊपर जाने की। सीधी चढ़ाई है ज़बरदस्त, 60 डिग्री के एंगल से, ज़्यादा एंगल लग रहा है मेरे को भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है। रास्ता एक्चुअल ऑफ रोडिंग जिसको कहते हैं वो है। अब ये जो भैया मिले थे उन्होंने बोला भी था कि ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो आपको लगेगा जैसे कहीं लद्दाख ही जा रहे हो, तो वाकई में फील ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत उबड़ खाबड़, बहुत ज़बरदस्त पत्थर का और चढ़ाई, तो क्या बोलूँ मैं आपको, कैमरे से आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये कितना ऊपर किस चढ़ाई पे जा रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, और वो तालाब बिल्कुल हमारे नीचे है। ओह वंडरफुल, अब हम लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं। अभी कन्फ्यूजन है कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाएं, या रायता एक और जगह है वहाँ होकर के जाएं, तो इस पहाड़ी से उतर के फिर डिसाइड करेंगे।
मैं सोच ही रहा था कि काश मेरा भी थोड़ा सा कुछ आ जाए बाइक चलाते हुए। अलसीगढ़ के तालाब के बैक वाटर की तरफ हमने राइड करी, जो कि एक पूरा रफ एरिया है। ये देख सकते हैं हमारे बाइक राइडर भुवन जी पाटनी, उनके पीछे है नवीन जी जैन और साथ में है चंद्रवीर सिंह जी राठौर। तो फाइनल डिसाइड हुआ कि हम रायता होकर ही जाएंगे। रायता भी है उदयपुर के पास में, बहुत सीनिक ब्यूटी वाली जगह है। चतुर्वेदी और शाहिद कपूर का भाई, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो भी आया हुआ है। ईशान खट्टर, यस ईशान खट्टर भी आया हुआ है और एक दो यूनिट और भी आई हुई है मूवी शूट करने के लिए। उदयपुर में बहुत सारी जगह हैं और कैटरीना कैफ वाली और अनिल कपूर वाली जो दोनों यूनिट लगभग साथ आई थी, और मेरे ख्याल से उनको लगभग 10 दिन तो हो चुके हैं उदयपुर के आसपास शूट करते हुए। उदयपुर में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह अनएक्सप्लोर्ड है जो लोगों को, लोकल लोग भी नहीं गए हैं जहाँ पर। और बहुत प्यारा व्यू है इस नाले का, बहुत शानदार। अभी भी है पानी थोड़ा सा, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखाया या नहीं दिखा, अभी भी पानी भरा है इसके अंदर। और कुछ टैक्सीज जा रही हैं हमारे आगे, रोड सिर्फ सिंगल है तो उनसे आगे निकलना पड़ेगा, वरना क्या है कि मिट्टी में हम भर जाएंगे बहुत बुरी तरह से। और मे बी यह टैक्सी के अंदर कोई फिल्म यूनिट वाले ही हों। बहुत गजब का नज़ारा, गजब से भी गजब। ये नीचे देखिए आप, गुजारा नाला और चारों तरफ पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच में फिर वापस हम उतर रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है रायता, रायता होकर के। रायता यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और गजब का व्यू है, गजब का। ये जो दिख रहा है आपको, ये पहाड़ में से यहाँ से नदी आती है, यहाँ से घूम करके और वापस उधर जाती है। अभी क्योंकि बारिश नहीं है तो आपको ये अभी पता नहीं पड़ेगा, फिर भी पानी तो बह रहा है थोड़ा थोड़ा। ये पीछे एक नदी जा रही है, क्योंकि अभी बारिश नहीं है इसलिए नदी में इतना पानी नहीं, लेकिन हमको तो खैर आवाज़ आ रही है अभी भी। ये नदी जा रही है यहाँ से, और यहाँ से घूम के, इधर से घूम करके, और ये फिर वापस उस तरफ निकल रही है। अब फिर वापस हमारे साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि सूरज इधर से ही आ रहा है तो बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं दिख पाएगा। ये पानी बह रहा है, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी आंखों में आ रही है कि कुछ पता नहीं चल रहा था। अब आपको ये दिख रहा होगा ये पानी बहता हुआ, और ये पानी जा रहा है पूरा घूम के उस तरफ। ऊपर एक मकान भी कुछ बना हुआ है पहाड़ियों में, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बेटा, कहाँ जा रहा है इधर? ये किधर से जाता है? गांव में जा रहा है। और ये किधर जा रहा है? रायता होकर उदयपुर जा रहा है। थैंक यू बेटा। थोड़ी थोड़ी देर में ऑफ रोडिंग हो रही है, फिर वापस एक पहाड़ चढ़ रहे हैं हम। मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। इतनी राइड्स करने पर इतनी ऑफ राइड किसी में नहीं थी जितनी अभी इसमें मिल रही हमको। बिल्कुल ट्राइबल एरिया है भाई, ज़बरदस्त ट्राइबल एरिया है, छोटे छोटे से घर। बहुत सारी मुर्गियाँ यहाँ पे छोटी छोटी सी। नमस्कार नमस्कार।
ऊपर से एक बहुत जबरदस्त चढ़ाई। ओह गॉड, 70 डिग्री से भी ज्यादा का एंगल लग रहा। क्या हुआ? ये बंद करो ना यार, एक मिनट, ये आवाज बंद करो। क्या बोल रहे हो? बिस्किट कहाँ मिलता है यहाँ पे? गाँव में मिलता है। अच्छा, कितने रुपये में आएगा? 5 रुपये में आ जाएगा? 10 में आएगा? तुम पढ़ने नहीं जाते, स्कूल जाते हो? जाते हो? कहाँ जाते हो? कहाँ जाता है बेटा? रायता। क्या नाम तेरा? कालू। और दूसरे का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तेजा। बहुत ही शानदार सीन। एक्शन कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए सीन नहीं ले पा रहा हूँ मैं, तो 2 सेकंड में रुक करके मोबाइल से शूट किया है। तो हम लोग फतसागर पहुँच गए हैं। एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गई थी एक्शन कैमरे की, तो इसलिए रास्ते का बहुत अच्छा शूट नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो हम बजाता है, जो सबसे बेस्ट पार्ट था वही हम शूट नहीं करते। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ नाश्ता करने के लिए। हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, हाँ कमलेश जी के यहाँ ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। तो यहाँ ब्रेड पकौड़ा खाते हुए लगभग हमको मेरे ख्याल से 25 साल तो हो गए होंगे। 25-1 साल? 25-1 साल? 30 साल? हाँ, मतलब ये था ही बाबू जी बैठते। हाँ, 30 साल हो गए होंगे। 30 साल से टेस्ट हमको एग्जैक्ट वही मिला, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो अगर आप लोग उदयपुर के बाहर से लोग देख रहे हैं तो जरूर आए। आदमी का टेस्ट कैसा भी हो पर आदमी बहुत अच्छा है और बहुत ही फ्रेश और अच्छी चीज खिलाते हैं कमलेश जी, ये बातें है। नहीं, आदमी भी अच्छा और टेस्ट भी अच्छा है। तो उदयपुर कभी भी आए तो कमलेश जी के यहाँ जरूर ब्रेड पकौड़ा खाए। ये मोती मगरी के गेट के बिल्कुल पास में है नीचे। हाँ ना, फोटो नहीं खींचता हूँ, वीडियो है। Some VIP is there. अब हम घर की तरफ, और थोड़ी सी देर के लिए नाश्ता करने के लिए रुके थे, इतनी देर में कैमरा चार्ज किया है, कैमरा चार्ज थोड़ा सा हुआ है, तो ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक से अगर बंद हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फतह सागर को बाय बाय करते हुए, can I take